वो कौन सी फिल्म थी जो अमिताभ बच्चन ने छोड़ी और जिसने फिल्म एक्टर डैनी का करियर बना दिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप जानते हैं शो में आज इसी किस्से पर बातचीत करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या आप जानते हैं शो। ये तो हम सब जानते हैं कि डैनी को फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए फिल्म को ठुकरा दिया और एक बड़ा बेहतरीन रोल अपने हाथ से गवा दिया। लेकिन ये कम लोग ही जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने भी एक बेहतरीन रोल छोड़ दिया था और जिसे बाद में डैनी ने किया और वो स्टार विलन बन गए। बात 70 के दशक की है, जब बी.आर. चोपड़ा फिल्म धुंध बना रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक पावरफुल विलन के रोल में साइन किया था, लेकिन इत्तेफाक से उनकी फिल्म आनंद हिट हो गई और फिर अमिताभ बच्चन ने विलन का रोल छोड़ दिया और वो हीरो के रोल्स की तरफ मुड़ गए। जो रोल अमिताभ बच्चन ने छोड़ दिया, उस रोल के लिए बी.आर. चोपड़ा ने शत्रुघ्न सिन्हा को साइन किया, जो उस जमाने के टॉप विलन थे। इस बीच नए एक्टर डैनी बी.आर. चोपड़ा के ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे इस उम्मीद में कि कहीं ये रोल उन्हें मिल जाए, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने डैनी को साफ मना कर दिया था क्योंकि उनकी उम्र कम थी और रोल एक अधेड़ उम्र के आदमी का था। लेकिन डैनी अपनी कोशिश में लगे हुए थे। डैनी का एक दोस्त बी.आर. चोपड़ा का असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसने डैनी को बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से आउट कर दिया गया है, क्योंकि जब उन्हें बी.आर. चोपड़ा ने सेट पर बुलाया तो वो 2 घंटे लेट पहुंचे। गुस्से में आकर चोपड़ा साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से निकाल दिया और अभी वो एक नए विलन की तलाश में हैं। जब डैनी को ये पता चला तो वो उछल पड़े और बी.आर. चोपड़ा का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का मेकअप लगाकर बी.आर. चोपड़ा के ऑफिस पहुंच गए। अपने बेहतरीन मेकअप और खूबसूरत एक्टिंग के बदौलत उन्होंने बी.आर. चोपड़ा साहब को इम्प्रेस कर लिया, उनका दिल जीत लिया और फिल्म में रोल हासिल कर लिया। डैनी ने न सिर्फ चोपड़ा साहब का दिल जीता, बल्कि जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने दर्शकों का भी दिल जीत लिया और बॉलीवुड के नंबर 1 विलन बन गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।